नमस्कार दोस्तों, यमुना के जो प्लॉट आए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लगाएं कैसे। जितना मेरा विचार है, हो सकता है मेरे विचार आपसे सहमत ना हो, जब आप फार्म खरीदते हैं तो आपको ये नया प्रोस्पेक्ट मिलता है, पहले नहीं मिलता, उस पर लिखा हुआ नोट फॉर सेल, एक कलर प्रिंट आउट में आपको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अंदर शर्तें हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जो 16 सेक्टर है ये बेकार है, ये अभी नया बना है, कुछ नहीं है, जंगल है। 17, 18, 20 और 22 ये पुराने सेक्टर हैं, ये डेवलप हो चुके हैं, इसमें पोजेशन भी हो रही है, प्रॉपर रजिस्ट्री भी हो रही है। अगर आप 16 में लेंगे तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, पर ये नए सारी स्कीम 16 के अंदर ही है, जो ये प्लॉट है 326। तो लोग सारे, पता नहीं क्या हो गया, लोगों को भेड़ चाल की तरह सारे इसी में लगा रहे हैं, मतलब कि सब इसी के पीछे पड़े हुए हैं, और जो क्रीम है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अब इसमें 60 मीटर वाले हैं, कहते 60 मीटर तो गरीब लगाता है, 90 मीटर में रह नहीं पाएंगे, यहाँ पर अलग अलग कहानियाँ बना रही लोगों ने, तो मेन लोग इसमें लगा नहीं रहे हैं। और ये पैसे हैं, अच्छा पैसों में भी खेल है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बैंक का ICICI आपको फिनांस कर रहा है, 1,11,000 सबसे छोटे के लिए भी फिनांस कर रहा है, और मान लो निकल गया तो 90% के लिए भी फिनांस कर रहा है ICICI बैंक, 5 ब्रांचें कर रही हैं। और हमारे साथ सर है, सर जी आपका शुभ नाम? संजय बंसल जी रोनी से आए हैं। अच्छा सर, आपकी क्या क्वेरी है, मैं ताकि जवाब दे सकूँ, लोगों का भी फायदा हो सके। क्वेरी में यही थी कि इसके अंदर कौन से सेक्टर में लगाना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने आपको मैप में भी समझाया, मैप लाइए थे कि अगर आप 16 सेक्टर में जाते हैं, ये देखिए, ये जो गुलाबी है इंडस्ट्री है, और ये येलो है ये रेजिडेंशियल है, और ये दनकोर गांव है। इस दनकोर गांव से 7 किलोमीटर के आसपास सेक्टर 16 आएगा, तो यहाँ पे घुसने का कोई फायदा नहीं है। ये रोड के आसपास हैं सारे, 20, 22, ये सारे डेवलप सेक्टर है, तो आपको यहीं लगाना चाहिए। हाँ जी सर, और क्या क्वेरी है सर? दूसरा इसमें कौन से, जैसे अलग अलग लगा सकते हैं, अलग अलग सेक्टरों में एक अलग एप्लीकेशन, यानी एक पैन कार्ड पे एक बंदा लगा सकता है, मोटा मोटी समझने वाली। अगर बच्चे जवान है वो अपना अलग से लगा सकते हैं, क्योंकि शादी होगी भैया उनको तो अपना घर चाहिए तो वो लगा सकते हैं। मतलब एक ही जना जो है वो अलग अलग सेक्टरों में नहीं लगा सकता। हाँ, एक बंदा एक लगा सकता है, फैक्ट्री में उल्टा है। अगर फैक्ट्री में आपको लगाना तो आप 50 फार्म लगा दो, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी है। रेजिडेंशियल में सरकार चाहती है सबको एक घर मिले, तो आप एक लगा सकते हैं एक पैन कार्ड पे। मैं मतलब कि बीवी साथ रहेगी तो बीवी को जरूरत नहीं है जी। तो मियां बीवी हो गया, बच्चे 18 साल के ऊपर अपना अलग लगा लो। हाँ, बच्चे छोटे हैं तो वो एक में आएंगे। अच्छा, जॉइंट लगाना चाहिए, सिंगल लगाना चाहिए? सर देखिए, इनकम टैक्स में बाद में नोटिस आते हैं, तो फाइनेंस की हर एक एक्टिविटी अलग अलग करनी चाहिए। अच्छा, कभी भी एक पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ज्वाइंट का मैटर तब है जैसे दो बहने हैं, सिलाई मशीन कपड़ा बनाती हैं, गरीब हैं, 60 मीटर का लगाना, पैसे की शॉर्टेज है, तो 55 दोनों मिला के 1,10,000 से ज्वाइंट लगाओ। तो ज्वाइंट तब लगाओ जो पैसे की मारा मारी है। हाँ, तो आजकल तो बैंक खुद ही फाइनेंस कर रहे हैं, तो ज्वाइंट की जरूरत नहीं है, तो बाद में फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, पंगा आता है। ठीक है ना, तो लास्ट डेट इसमें 7 तारीख तक है। हाँ जी, 7 तक है, मतलब 6 तक कम्प्लीट कर दो, क्योंकि इनका 7 बजे बैंक बंद हो जाता है अकाउंट। तो मान लो कुछ पंगा हुआ, आपके पैसे क्लियर नहीं हुए, तो आपका फार्म रद्द हो जाएगा। ठीक है, फार्म में के पैसे भी गए, अप्लाई करने के भी गए, और आपका रिफंड आपको 2-3 महीने बाद ही मिलेगा। अच्छा, तो 2 दिन का गैप लेके चलो। ठीक, अगर 6 तारीख है तो उसे 4 ही मानो। अच्छा, इसमें सर ये, इसमें क्या है कि जैसे ये मैं डेट्स आपको दिखा देता हूँ, इसमें लिखी हुई है